इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर कस्बे में एक 16 साल की नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग को सोमवार सुबह बंधक बनाया गया था, जिसका शाम को पता चला। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात को आरोपी को चित्तौड़गढ़ शहर से डिटेन कर लिया। वहीं मामले की सूचना पर गंगराज डिप्टी जाबरमल मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर विजयपुर के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर आरोपी को सजा देने की मांग की। जानकारी के अनुसार 16 साल की एक बालिका सोमवार सुबह पास की दुकान पर पेन लेने गई थी। वहां से आते समय आरोपी देवेंद्र सिंह ने उसका हाथ पकड़कर रुमाल से मुंह दबाकर जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया और वहां पर उसे बंधक बनाकर रखा। आरोपी ने नाबालिग के साथ पहले भी जबरदस्ती करने की बात सामने आई है। Ready, Lieutenant? Wow, now the earrings. Mom, पहली बार दिवाली के लिए अपने घर पर नहीं हूँ। Mom थोड़ी upset है, पर तेरी Mom ने क्या बोला? माँ ने कहा कि अपनी नई Air Force family के साथ पहली दिवाली अच्छे से मनाना। चलें। इस त्योहार में खूबसूरती एक नई शुरुआत वाली लगे ऐसे जैसे पहली दिवाली। अलेख्या बाय तनिष्क।